राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, पूजा पाठ और स्पेशली लड्डू गोपाल से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का जो वीडियो है वो है कि हम आज एक छोटी सी चौकी बनाएंगे। जब हम खाने के लिए भोग लगाते हैं तो ज़्यादातर लोग बाग ज़मीन पर ही रख देते हैं, मंदिर के फ्लोर पर, बट मैंने अपने खाने के लिए चौकी बनाई है तो मैं आपको वही आज दिखाऊंगी। आज हम एक चौकी बनाएंगे और चौकी मैंने टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाई है। आई होप सो कि आप सभी को ये पसंद आएगी। और ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, वही मैंने पूरी जोड़ के बनाई थी। तो आप लोग चेक देखना और मुझे बताना कि ये कैसी लग रही है। और इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करा है जो आपके घर में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मंदिर की चौकी की तरह ही यूज़ करें, आप इसके मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना, तो कुछ उसी तरीके के यूज़ में ये आ सकती है। और आप इसे गिफ्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, एक गिफ्ट के थ्रू इसको देना, इसकी पैकेजिंग करके अच्छी सी, आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हो। और उसका वीडियो भी मैं कभी बना कर आपको दिखा दूँगी कैसे आप पैकेजिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे कुछ चीज़ें दीजिए जिससे उन्हें अच्छी लगेंगी और आपके पास भी बहुत सारे आइडिया हो जाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एक्चुअली जो भी मैं बना के डाल रही हूँ, आपकी वो वीडियो कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप सो कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हूँ, आगे भी ऐसे ही बनाती रहूँगी मैं। और अगर आप मेरे को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप वो भी प्लीज़ दे सकते हैं एडवाइस। और ये जो चौकी मैंने बनाई है लकड़ी के टुकड़ों से बनाई है, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, इन्हीं को मैंने अपने डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग कट करा था और पेस्ट कर दिया था। पेस्ट मैंने थिक वाली ग्लू से किया था, फेविकॉल की जो ग्लू आती है ना उससे किया था मैंने। आपके पास हॉट ग्लू गन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे को जितना लेंथ चाहिए था, जितनी चौड़ाई चाहिए थी, मैंने उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाकर लंबा कर दिया था, मतलब लंबाई के तौर पे बनाया था। और लंबाई तो मैंने अपने अपने डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग कट करी थी। और इस तरीके की मैंने ये एक चौकी टाइप बना के रेडी कर ली थी। इसके ऊपर जो वाइट कलर का फॉर्म देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक शीट है, फॉर्म शीट, जो कि कपड़ों में लग के आती है, सूट वगैरह में या शर्ट वगैरह में आप देखोगे ऐसे थिक फॉर्म शीट आपको लग के आएगी। तो ये वो मैंने बनाई थी, उससे मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि एक मजबूती भी मिल जाए और एक फॉर्म के तौर पे ये लगे भी, थोड़ा सॉफ्ट भी रहे, इसलिए मैंने इसको इस पर पेस्ट कर दिया था। और चारों तरफ मैंने एक पट्टी भी पेस्ट कर दी थी ताकि जो लकड़ी के जो रफ कॉर्नर हैं वो कपड़े पे दिखे ना, इसलिए भी मैंने इसको पेस्ट किया था। और आप देख सकते हो लकड़ी के पतले पतले से टुकड़े दिख भी रहे हैं इस पर, तो इससे ये क्लियर हो गया है कि हाँ मैंने ये टुकड़ों से ही बनाई है। और काफ़ी सॉफ्ट सा बना था ये, काफ़ी मज़ा आया मुझे इस पर काम करते हुए और बहुत इजीली काम भी हो गया था। इस पर मैंने एक वेलवेट का फैब्रिक पेस्ट किया था, इस तरीके का रेड वेलवेट का फैब्रिक मैंने पेस्ट किया था। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग वेलवेट का, नहीं तो जो प्रिंटेड कपड़े आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने इस तरीके से इसको रख के ऊपर फोल्ड कर दिया था और जितना इसका लेंथ था और चौड़ाई थी उससे थोड़ी अधिक मैंने फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई ली थी। तो इस तरीके से मैंने पूरी चारों तरफ से इसको पेस्ट कर दिया था और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई थी इसमें। इसको लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आएगी अगर आप इसको इस तरीके से पेस्ट करोगे तो। ये चिपका लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पेस्ट करने के बाद ही कुछ इस तरीके की लग रही थी और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये पीछे बस मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के और एक ऐसा छोटा वेलवेट का टुकड़ा और मैंने पेस्ट कर दिया था। इसके बाद मैंने चारों तरफ एक लेस लगाई थी। इसके बाद बस मैंने एक पतली सी चारों तरफ लेस लगा दी थी। वो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाई है,
फोन का मेमोरी फुल हो गया था और मेरे को पता ही नहीं चला, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करती रही, बाद में पता चला कि आधा ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। जो ये फैब्रिक का टुकड़ा है ना, इसका जितना एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे कट कर दें, उसके बाद आप इसको पीछे की तरफ लगा दोगे। मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट किया था, चारों तरफ से पतली पतली लेस कट करके मैंने इसको लगा दी थी। और मैं आपको बताऊं, नीचे जो पैर बनाने के लिए, ऐसे तो मैंने कील का यूज़ किया था, मोती पे मोती रख के उसके ऊपर कील रखी थी, जो मोती का छेद होता ना उसकी, उस पर मैंने कील रखी थी, उसके बाद मैंने इसके पैर बना दिए थे। बट वो कील क्योंकि पतली थी, छोटी थी तो लकड़ी के आर पार नहीं हो पा रही थी, वो लकड़ी में घुस तो रही थी लेकिन छोटी होने की वजह से थोड़ी देर में वो लकड़ी छोड़ दे रही थी। इस चक्कर में मैंने थिक वाला ग्लू लेके, या तो आपके पास ग्लू हॉट ग्लू गन होता वो यूज़ कर सकते हो, ग्लू लेके मैंने मोती के नीचे चिपकाया और चारों तरफ लकड़ी पे चार मोती मैंने लगा दिए, बड़े वाले मोटे वाले जो मोती होते हैं ना वो वाले। देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि यही वाला ग्लू मैंने यूज़ किया था मोती चिपकाने के लिए भी और लकड़ी चिपकाने के लिए भी, एक्चुअली यही वाला यूज़ किया था और काफ़ी ज़्यादा ख़त्म भी हो गया है जो मैंने यूज़ किया था। और अब देख सकते हो मैंने ये फैब्रिक ग्लू इस पर लगाया है। फाइनल वीडियो जो फाइनल पिक है वो अगर मिल जाएगी तो मैं आपको ज़रूर आपको दिखा दूँगी। ऐसे तो जो मैंने ये सामान पैक करा था ना उसमें वो चौकी दिख जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, मैं वीडियो वो भी डालूँगी पैकिंग वाली। और जैसे कि मैंने को बताया, मैंने ग्लू लगा के, फैब्रिक ग्लू लगा के उसके बाद मैंने कपड़ा पेस्ट कर दिया था इसके ऊपर। इसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा डेकोर कर सकते हो। मैंने बस एक पतली सी लेस लगाई थी चारों तरफ गोल्डन कलर की और कुछ नहीं किया था। और बड़े बड़े जो जंबो साइज़ के मोती होते हैं वो लेके मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी थी चारों तरफ पैर के तौर पे। तो एक प्रॉपर एक चौकी बन के, बहुत सुंदर सी चौकी बन के ये रेडी हो गई थी। और इसका वीडियो अगर आपको मुझे कहीं पिक मिल गई या फिर वीडियो मेरे को, मतलब वीडियो तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया था, इसकी पिक कहीं से मिल गई तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। और जिन लोगों के पास मैंने भेजी थी उनसे मैं एक बार बोल के देखूँगी कि अगर उसका पिक मुझे मिल गया, ड्रेस का पिक तो है ही मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर कर दूंगी, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो बस इतना ही था आज का वीडियो, आई होप सो कि आप सभी को पसंद आए।